हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। इसमें तीन कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, कोई भी दो इक्वेशन आपको गिवन है एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशंस। सपोज हम जनरल केस लेते हैं a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। कोई भी दो लाइंस आपको गिवन है x और y में लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर सपोज x के जो मल्टीपल्स हैं उनका रेशियो आपने फाइंड किया, जो y के मल्टीपल्स हैं उनका रेशियो आपने फाइंड किया, और अगर वो इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन लाइक दिस, ठीक है। वो एक पॉइंट पे, मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस केस को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट इक्वेशंस का सॉल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अब हमने फाइंड किया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, लेकिन वो दोनों तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तब हम चेक करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है यानी c1 अपॉन c2, अगर ये अनइक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए लेकिन इसके अनइक्वल है, तब आप क्या कहेंगे, लाइंस आर पैरेलल। इस टाइप से लाइंस होंगी और पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट मींस नो सॉल्यूशन, और इनको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। अब हमने तीनों रेशियो फाइंड किए और वो तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए, तब कौन सा केस होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब जो एक लाइन ड्रॉ की उसी पर दूसरी लाइन भी लाई करती है, दैट आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, लेकिन इसको भी हम काउंट करते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस में, ठीक है। बस ये तीन केसेस आपको फाइंड करने हैं। अब सॉल्व करने के इक्वेशंस को हमारे पास हैं तीन मेथड, और एक है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था लाइंस को, उसको हम चेक करेंगे कि वो कौन सा केस एग्जिस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये केस होगा तब आप इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा सॉल्यूशन का, यानी इनकंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, और अगर कोइंसिडेंट है तो वो मैनी सॉल्यूशन का केस होता है, केवल फाइंड करना होता है आपको एक्स वाई की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास तीन मेथड और हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसको हम किसी भी कंडीशन को फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, एक्सरसाइज 3.2 में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पहले क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, तो आप क्या assume करेंगे, let number of boys, suppose आपने लिया x, number of girls इसको आपने लिया y, according to question total कितने students participate कर रहे हैं, 10। तो first equation तो आपको मिल गई x plus y equals to 10, और second condition के लिए क्या है, number of girls, that means y is 4 more than number of boys, यानी number of boys में कितना add कर दें आप, 4, ठीक है। अब हमारे पास जो equation बन गई, क्या हो गई equation, x minus y equals to minus 4, ये हो गई आपकी second equation, ठीक है। चलिए अब हम इसको अगर solve करते हैं, graphically हमें solve करना है, तो graphically solve करने के लिए पहले आपको first के दो point find करने हैं, आपने एक टेबल फॉर्म करनी है एक्स और वाई, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर देते हैं, पहले यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, 10 माइनस एक्स, सपोज आपने एक्स को जीरो ले लिया तो वाई कितना मिल जाएगा, 10 माइनस जीरो यानी 10। अब आप क्या करें, एक्स को फाइंड कर दें, वाई को जीरो ले लें तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आप इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स 10, ठीक हो गया। इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, y है x प्लस 4, फिर से आपने दो पॉइंट फाइंड करने हैं, x और y, x को आपने 0 पुट किया तो y आपको मिल गया 4, ठीक है। अब आप y को फाइंड कर रहे हैं, x को कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 5,
तो y की वैल्यू हो गई 9, ठीक है, या 0 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, जो भी आप लेना चाहें वो पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। अब हमने इनको प्लॉट करना है ग्राफ में, ये हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, 10, बिल्कुल ऐसे ही ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये ओरिजिन 2, 4, 6, 8 एंड 10, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश, ठीक है। चलिए 0 एंड 10 एक पॉइंट ही आ गया, 10 एंड 0 एक पॉइंट ही आ गया। अब इनको आपने ज्वाइन कर देना है इस टाइप से, ये तो आ गई आपकी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के लिए 0 एंड 4 एक पॉइंट ये है, 5 एंड 9, 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया आपका 5, 9, ठीक है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है इस टाइप से, ठीक है। जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सिमेट में क्या वैल्यू मिल रही है हमें यहां पर, 4 और 7, एक मिनट, ये आ गया 3 और ये आ जाएगा आपका 7, तो ये आ गया आपका 3, 7। पहले कौन सा पॉइंट लेंगे आप, x पॉइंट, चेक कर लीजिए 3 प्लस 7, 10 आपको मिल जाना चाहिए, यहां पर 3 प्लस 4, 7 और y की वैल्यू 7, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, 7। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है, ये कहलाता है आपका ग्राफिकली मेथड, क्लियर है। इसमें सपोज लाइंस पैरेलल होती तो पैरेलल में आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है, और अगर एक ही लाइन पे लाई करे दूसरी लाइन भी तो वो हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइंस यानी मैनी सॉल्यूशन का केस, क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, केवल कंडीशंस अप्लाई करनी है आपको ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 5x 4y + 8 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 7x 4 6y - 9 = 0। कोफिशियंट्स को कैसे कंपेयर करना है आपने, जो x के मल्टीपल्स हैं दैट आर A1/A2, y के मल्टीपल्स हैं B1/B2, -4/6 - 2/3। अगर ये दोनों ही वैल्यू अनइक्वल आ जाएं तो थर्ड कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे A1/A2 is not equal to B1/B2 एंड दिस इंप्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग को हम क्या कह सकते हैं, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से आपने कंडीशंस को कैलकुलेट करना है, अप्लाई करना है, ये मेथड आपका कहलाएगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आज इस टाइप से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको कैलकुलेट करने में तो कमेंट जरूर करिएगा। तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी एक्सरसाइज और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो आज इतना ही, थैंक यू।